जोधपुर की सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूं कहिए कि राजस्थान सरकार के बीच है। असल में यहां से शेखावत के मुकाबले अशोक गहलोत की बेटी वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। बेटे की सियासी दुकान सजाने के लिए अशोक गहलोत से जोधपुर में अपनी पूरी सरकार को लगा रखा है। नजारा कुछ ऐसा है मानो राजस्थान में कांग्रेस बस एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही हो। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की इसी कमजोर नस पर उंगली रखी तो बिलबिलाए गहलोत ने कुछ वैसा कहा जैसे कभी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए कही थी। तब देवीलाल ने कहा था कि अपने बेटे को नहीं तो क्या थारे बेटे को आगे बढ़ाऊं। अब अशोक गहलोत इसी बात को कुछ बदल कर ऐसे कहते हैं कि हर बाप अपने बेटे के लिए यही कहेगा। बेटे को तो नेता बनाने पर तुले कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री कमलनाथ और अशोक गहलोत ने टिकट बंटने से पहले ही ऐलान कर दिया कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। गहलोत जोधपुर से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसे मोदी की छवि, कार्यकर्ताओं की मेहनत और राष्ट्रवाद पर पूरा भरोसा है। नतीजे जो भी हो, लेकिन जोधपुर की लड़ाई पर पूरे राजस्थान की नजर टिकी है, क्योंकि ये बीजेपी और गहलोत के लिए नाक की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।